बच्चों, हम कक्षा 11वीं में कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आंकड़ों का संगठन पढ़ रहे हैं। ये हम तीन पीरियड्स बार पढ़ चुके हैं। इसमें जो चीज़ है वह हम संगठन कैसे करते हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, कैसे उसको हम व्यवस्थित करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं। तो पिछले उसमें हमने ये चीज़ें एक बार आपको बता चुके हैं, लेकिन हम दोबारा आपको ये चीज़ें फिर से बता दे रहे हैं। जैसे बारंबारता का वितरण क्या है, बारंबारता है क्या, मतलब ये चीज़ें कई बार क्या है समझ में नहीं आती हैं। तो बारंबारता जो है, ये वाली संख्या है, जो जैसे शून्य से हमने यहाँ पर लिया है 100 बच्चों की। अब फर्स्ट वाला जब हमने पार्ट वन पढ़ाया था संगठन के बारे में, समांकों का संगठन के बारे में, तब हमने ये 100 छात्रों का लिया था। पिछले उसमें हमने 12 बच्चों का हमने यही चीज़ें पूरा बताया था। अभी जो बता रहे हैं वो 100 बच्चों का है। तो इसमें जो है बारंबारता वक्र भी है, जिसको कि हम वक्र के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। और बारंबारता मतलब शून्य से 10 के बीच में एक है, निम्न सीमा शून्य है, निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। वर्ग चिन्ह क्या है? अब ये जो वर्ग चिन्ह है, जो हमने कल पिछली कक्षा में बताए थे, उसमें वो अलग अलग हमने बताए थे। अब इसमें ये देखिए, सारी चीज़ें जो इकट्ठी दिख रही हैं, वर्ग जो है इसको हम एक्स से दर्शाते हैं, इसको एफ से दर्शाते हैं, ये L1 और L2 मतलब निम्न और ये वर्ग है। वर्ग चिन्ह जो है वह अंतर है, ये दोनों का अंतर। तो इसको कैसे निकालेंगे? जब शून्य प्लस 10 है तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, इसके बटे हम 2 का भाग देंगे 2, तो ये हमारा क्या निकल आया, ये वर्ग चिन्ह निकल आया। तो इस तरह से ये क्या है, बारंबारता का जो श्रेणी है, उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग निम्न सीमा, ये सारी चीज़ें हम इससे समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। वर्गों की संख्या जो होती है वह कितनी होनी चाहिए, जो हमारे पास संख्या है उसको हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः 6 और 15 के बीच की होती है। यदि हमारे बीच जो वर्ग अंतराल जो है समान आकार के हों, तो वर्गों की संख्या जो है परास मतलब चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान में अंतर जो है वह भाग देने से प्राप्त की जा सकती है, जैसे हमने अभी आपको बताया। फिर उदाहरण के लिए हम मान लेंगे कि मतलब जो हमारे पास जो परीक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्तांकों के आंकड़े हैं, तो हम उसको सभी प्राप्तांक पूर्णांक है, जो ऋणात्मक आंकड़ों अनुमति है, मान लीजिए कि जो अभी हमने संख्या देखी वह चीज़ है। फिर इसमें देखेंगे कि असतत चरों की स्थिति, क्योंकि ये भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है, इसलिए यह क्या है, इन वर्गों के जो अंतराल होते हैं उसका भी हम उपयोग करते हैं। इनका जो अंतराल होता है वह 10 वर्ग के अंतरालों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने देखा 0 से 10, तो ये क्या है, 10 अंकों का अंतराल है। 0 से 10, 11 से 20, 21 से, ये क्या है, समावेशी स्वरूप है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्या है, समावेशी स्वरूप, जो 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस टाइप से होंगे, वह हम 100 अंकों तक लेंगे। फिर है अपवर्जी, जो अपवर्जी रूप है वह क्या है, 0 से 10, ये पूरा पूरा जाएगा 0 से 10, और ये वाले में क्या गया है, 0 से, ये 10 तो गया है, लेकिन सेकंड जो हो गया है वो 11 से 20, ये हो गया इस तरह से, ये अलग चलेगा, ये वाला 0 से 10 10 से 20 इस तरह से चलेगा। मतलब यहाँ पे अंतर जो है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। फिर हम देखेंगे सतत चर के उदाहरण। सतत चर मतलब कंटिन्यू, जो हमने पढ़े थे खंडित और अखंडित चर जो पढ़े थे वो वही चीज। अब सतत चर के अंतर्गत जो है हमारे पास जो चर के आंकड़े जो उपलब्ध हैं, जैसे कद है सेंटीमीटर में लेंगे, वजन जो है किलोग्राम में लेंगे, आंकड़ा इसी प्रकार सतत श्रेणी में हम वर्ग अंतराल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 30 किलोग्राम है, यहाँ पर जो है 30 से जो हम 40 लेते हैं, है ना, तो 40 में हम पूरा पूरा जो आंकड़े हमने पिछले उसमें हमने बताया था कि हम पूरा पूरा जो 40 जो आता है, 40 जो रहता है वो नेक्स्ट उसमें चला जाता है, जिसमें 40 से 50 के अंतर्गत हम देखेंगे तो उसमें चला जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ दिया है 39.999, तो इस तरह से ये आंकड़े जो हैं क्या होते हैं, सतत श्रेणी में वो कंटिन्यू होते चले जाते। कई बार आंकड़े जो है वो डबल ना हो, इसलिए हम इस तरह से ये लेते हैं कि
39.999 करके, वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है कि किस तरह से कर्मचारी की जो संख्या है 800 से 899, 900 से 999, इसको हमने क्या कहा, ये सतत चर है, ये सतत चर है। फिर हम देखेंगे कि इसमें एक कंपनी के जो आय है, बारंबारता वितरण, ये बारंबारता जो बार बार जो आई हुई है वह क्या है बारंबारता, तो इसमें 799.5 से 899.5 के अंतर्गत कितने कर्मचारी हैं, 50 कर्मचारी हैं, ये संख्या है हमारी, है ना। तो ये 50 संख्या दी हुई, इसी तरह से हम बारंबारता वितरण को हम कर सकते हैं जिसमें कि 550 कर्मचारी नीचे दिए हुए हैं। ये चीज़ें हमने एक बार आपको पिछले उसमें भी बता चुके हैं जब पिछली क्लास हमने लिए थे, ये एक तरह से रिवीजन है आपका, आपको ध्यान से इसको करना है, रिवीजन जितना करेंगे उतना ही आपका ये बनेगा। फिर उसके बाद है हम मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह में उसमें हमने इसमें 100 बच्चों का लिया, उसमें हमने कहा 12 में बताया था, जिसमें 0 से 10 के बीच में जो हमारा वर्ग है उसमें जो ये संख्याएँ आई हैं कितनी बार आई, जैसे अब इसके बीच में जो है 0 यहाँ पर एक बार आया है, बारंबारता एक हो गई, वर्ग चिन्ह जो हमने, ये दोनों का जो अंतर है वह वर्ग चिन्ह कहलाएगा। उसी तरह से 10, 14, 17 मतलब 10 से 20 के बीच में जितने अंक आए हैं हमने लाइन खींचे थे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह से हम गिनती गिनते हैं, इस तरह से इसको ये कहा जाता है मिलान चिन्ह, जिससे कि हमको टोटल करने में भी आसानी हो जाती, 5, 3, 8 मतलब 1, 4 फिर 5वां जो कटा है तो वह समझ में आएगा कि ये 5 अंकों का ग्रुप है। फिर है बारंबारता वितरण, हमने अभी बारंबारता मिलान चिन्ह द्वारा देखा कि ये बारंबारता वितरण है, ये कितने बार आया है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 0 से 10 में 0 जो है एक बार आया है, यहाँ पर 10 से 20 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक है, तो वर्ग चिन्ह ये दोनों के बीच का अंतर जो है वह 15 है। वर्ग चिन्ह क्या है, ये 0 और जो 10 है इसके बीच का जो है वह वर्ग चिन्ह है, ये वर्ग है जो अंतर है दोनों के बीच का जो अंतर आएगा या मध्य जो होगा वह वर्ग कहलाएगा। इसी तरह से ये पूरे आंकड़े यहाँ पर हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने 100 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत के अंकों के उदाहरण के प्रयोग करते हुए सतत चर जो थे उनको आंकड़ों का वर्गीकरण करते हुए हम चर्चा किए, फिर विविक्ति चर के लिए भी आंकड़ों का वर्गीकरण, फिर बारंबारता सारणी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इस तरह से ये बीच जो माध्यमिक भिन्न जो हैं भिन्न मानों के अंतर उसे बारंबारता रखते हैं और पूर्णांक मानों का ये संकल होता है, जिस तरह से हम ये उदाहरण में देखेंगे, ये है बारंबारता सारणी है। तो ये बारंबारता सारणी कैसे बनी, ये परिवार के हैं 8 परिवार हैं तो उनकी संख्या टोटल ये, एक परिवार में 5 हैं, दूसरे परिवार में 15 हैं, तीसरे परिवार में 25 हैं, चौथे परिवार में 35 हैं, इस तरह से 8 परिवारों की संख्या ये दी हुई है, यहाँ पर कितने कितने सदस्य हैं वह हैं और ये परिवारों की संख्या हो गई। फिर है गृह कार्य, वस्तुओं को वर्गित करने में क्या कोई लाभ हो सकता है, हमारे दैनिक जीवन से मैं जो है उसका उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए, चर क्या है, चर क्या है, एक स्टैंड और एक विभक्ति चर के बीच में भेद स्पष्ट कीजिए, सतत इसमें सतत और वो जो खंडित और अखंडित जो पढ़ेंगे वह है। फिर शहर, एक शहर में यह जानने हेतु 45 परिवारों के सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन है, ये आपको एक बार बारंबारता सारणी तैयार करनी है और एक बार में बारंबारता वितरण सारणी तैयार करनी है, ये आपको कॉपी में नोट करना है।